एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट का एक फेमस नोवेल मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस एक टुलिवर फैमिली की स्टोरी है, जो एक मिल में रहते हैं और मिल का मालिक रहता है और एक फिक्शनल टाउन में रहते हैं, और इनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आते हैं मिल से और मिल से जुड़े लोगों के साथ से, और उसकी बारे में बताया गया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। दैट इज द मिल ऑन द फ्लॉस इज ए नोवेल बाय जॉर्ज इलियट, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 volumes इन 1860 बाई विलियम ब्लैकवुड। द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन वॉज पब्लिश्ड बाई हार्पर एंड ब्रदर्स पब्लिशर्स न्यूयॉर्क। ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1860 में, पेजेस 93 इन 3 volumes, सेट इन लिंकॉनशायर। जनर इसका नोवेल साइकोलॉजिकल फिक्शन एंड डोमेस्टिक फिक्शन। डोमेस्टिक फिक्शन की घरेलू कहानी है इन लोगों की, वो बताया गया है कि एक फैमिली के साथ में कैसे क्या क्या होता है। इट इज मेनली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए ब्रदर एंड सिस्टर टॉम एंड मैगी टुलिवर हु लिव इन ए मिल। मिल मतलब ए बिल्डिंग वेयर ग्रैन इज ग्राउंड इन टू फ्लोर ऑन द रिवर फ्लॉस। इट डिस्क्राइब्स देयर चाइल्डहुड एंड डिस्प्यूट दैट कॉजेज देम टू सेपरेट। इसकी स्टोरी डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं इसके कैरेक्टर। दैट इज फर्स्ट मैगी, जो कि प्रोटेगोनिस्ट है ऑफ दिस नॉवल। सेकेंड इसका ब्रदर टॉम टुलिवर। मिस्टर एंड मिसेज टुलिवर इसके पेरेंट्स हैं, एंड मिसेज ग्लीग इसकी मौसी है, यानी कि टुलिवर की, मिसेज टुलिवर की बहन। लूसी डीन इसकी कजिन है, और लॉयर वाकेम एक लॉयर है, फिलिप वाकेम उसका सन है, और स्टीफन गेस्ट एक लड़का है जिसकी कहानी बाद में आती है। मिस्टर स्टीलिंग ये भी एक इन्हीं से जुड़ा एक आदमी है, जो मतलब चाहते हैं कि टॉम इनके इसके पास में पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं मैगी स्टोरी के बारे में। तो मैगी एक 9 years ओल्ड लड़की है जो खेलती रहती है, और टॉम भी इसके साथ खेलता रहता है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेज के एक मिल रहती है, ग्राउंड ग्रेन मिल, जो सोचते हैं कि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन टॉम अच्छी पढ़ाई कर ले, इसलिए वो उसको किसी की सलाह के तौर पर मिस्टर स्टीलिंग के पास भेजना चाहते हैं, ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा बन जाए। इससे पहले टॉम मैगी को डांटता रहता है कि तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया, लेकिन मेरे रैबिट्स का तुमने ध्यान नहीं रखा, इसलिए मेरे रैबिट्स मर गए हैं, उनको खाना नहीं दिया। तो मैगी उससे माफी मांगती है, लेकिन टॉम उससे बहुत ज्यादा नाराज रहता है और उसको माफ नहीं करता है, लेकिन बाद में उसको माफ कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि लूसी डीन जब आती है तो उसकी टॉम से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैगी से उसकी थोड़ी कमी बनती है। मिसेज ग्लीग होती है जो मिस्टर टुलिवर से झगड़ा कर लेती है किसी बात से, जिसके कारण क्या होता है कि मिस्टर टुलिवर से जो पैसे मांगती है वो वापस देने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर टुलिवर के पास में अभी पैसे नहीं रहते हैं। मिसेज टुलिवर को ये चीज बहुत खराब लगती है कि मेरी बहन होके वो हमसे ऐसी स्थिति में पैसे मांग रही है, जबकि हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है। फिर होता ऐसे है कि ये अपनी पैसे लेने के लिए अपनी बहन के पास भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत गरीब रहती है, उससे पैसे नहीं ले पाते हैं, और ये अपनी ये मिसेज टुलिवर है वो भी अपनी बहन के पास, दूसरी बहन के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनती है, इसलिए ये पैसों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इसकी सबसे बड़ा अटैक जो आता है वो आता है उनकी मिल पे, और एक केस लड़ने के लिए वो एक लॉयर हायर करते हैं, वो है लायर वाकेम। वाकेम उसको जीत जाते हैं, और टॉम इस मिस्टर टुलिवर इस केस को हार जाते हैं, और इससे उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिससे उनका बिजनेस सब ठप हो जाता है, और वो घोड़े से भी गिर जाते हैं। उनकी स्वास्थ्य की जो हालत है वो भी बहुत खराब हो जाती है। कुल मिलाकर बोले तो मिस्टर टुलिवर की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो जाती है, ना पैसे रहते हैं उनके पास में, ना सगे संबंधी रहते हैं, ना ही कोई ऐसा रहता है जो कह सके कि आई एम विद यू, इसलिए वो बहुत ही हताश निराश फील करते हैं। फिर इसका बेटा रहता है फिलिप वाकेम, जो टॉम की स्कूल में पढ़ता है। मैगी एक बार टॉम से मिलने के लिए वहां पे आती है, तो फिलिप वाकेम उससे मिलता है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इन दोनों की एक ही हॉबी रहती है बुक्स पढ़ने की। तो मैगी इससे बहुत अट्रैक्ट होती है और इसके साथ में रहने लगती है। टॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि टॉम इससे बिल्कुल नफरत करता है, क्योंकि इसका फादर जो है वो
टॉम के फादर से धोखा कर लिया था, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता। उनकी मील भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। फिर वो मतलब पैसे की कमी होने के कारण मिस्टर टुलिवर को उनके काम भी करना पड़ा था, उस अपनी मील के अंदर एक वर्कर के रूप में काम करना पड़ा था मिस्टर वाकेम की वजह से। इसलिए वो फिलिप वाकेम से बिल्कुल नफरत करता है। फिर वो मैगी को बोलता है कि तुम इससे नहीं मिलो क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी वो छुप छुप के मिलती रहती है। फिर इसके बाद में होता है स्टीफन गेस्ट की जो एंट्री होती है वो होता है लूसी का फियांसे, और लेकिन ये लूसी से ज्यादा मैगी को पसंद करता है और मैगी से शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन मैगी एक बार तो मना कर देती है कि मैं किसी का मतलब दुखी करके अपना सुख नहीं बसा सकती, सुखी घर नहीं बसा सकती, इसलिए मैं तुमसे अलग रहूंगी क्योंकि तुम मेरे बहन के फियांसे हो। लेकिन ये दोनों एक बार कहीं पे भाग भी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वापस आके उसका सामना होता है तो वो होता है टॉम से, और टॉम से सामना होने के कारण वो बहुत मतलब एम्बेरसिंग फील करती है कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन फिर भी टॉम उसको जैसे तैसे करके माफ कर देता है। फिर उसके बाद में जो कहानी होती है वो ऐसे होती है कि बारिश होती रहती है, बारिश होने से बहुत पानी जैसा आ जाता है तो टॉम उसमें डूबता ही रहता है, तो मैगी उसको बचाने के लिए जाती है और वो बोट को एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वो डूब के मर जाते हैं, और डूब के मरते टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को बांधे रहते हैं, मतलब हाथ में हाथ डाल के ही मरते हैं। इस प्रकार इसका एंड होता है। तो ये है स्टोरी मिस्टर टुलिवर की। मिस्टर टुलिवर की एक इससे बीच में एक कहानी ये और होती है कि टॉम हमेशा एक ऐसा नियम रखता है, एक ऐसा सोच रखता है कि मैं मेरे फादर का जो बदला है वो जरूर लेऊंगा, क्योंकि मेरे फादर के साथ मिस्टर वाकेम ने बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं इसका बदला लूंगा, मैं हमारी मील भी वापस लूंगा और इसका कर्जा, सबका कर्जा भी चुका दूंगा। और टॉम ऐसी कंडीशन में आ भी जाता है, बहुत पैसे कमा लेता है। फिर बाद में मिस्टर वाकेम जाके अब उस अपनी जो नौकरी करता रहता अपनी ही मील में, उसको ठोकर मार के आ जाता है कि मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई भी नहीं चाहिए, और वो सारे पैसे मिसेज ग्लिक के भी वापस कर देता है, और अपनी मतलब वापस उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार टॉम के फादर की तो स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन मैगी और टॉम लास्ट में मर जाते हैं। तो ये कहानी है मिल ऑन द फ्रॉस की, जिसका मतलब भी यही है कि एक ऐसी मिल जहाँ पे मतलब ग्राइंडर होता है, जहाँ पे ग्रेन्स पीसे जाते हैं, उसी के नाम पे इसका टाइटल पड़ा है। इसके वेल नोन फैक्ट्स मैंने शुरू में बता ही दिए हैं, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।